मंत्री केटीआर ने शहर में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए नगर निगम विभाग के शीर्ष अधिकारियों को सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है। केटीआर ने मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों की समीक्षा की। केटीआर ने सुझाव दिया कि अगले 2 से 3 दिनों तक शहर में भारी बारिश की संभावना है। वे जल बोर्ड, बिजली विभाग, राजस्व प्राधिकरण, यातायात पुलिस जैसे प्रमुख विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखना चाहते हैं। जीएचएमसी के अधिकारियों ने केटीआर को बताया कि वे मॉनसून योजना के तहत भारी बारिश का सामना करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ पहले से ही तैयार है। ऐसा कहा जाता है कि शहर के निचले इलाकों और बाढ़ग्रस्त मुख्य सड़कों पर डिवर्टिंग पंप और कर्मियों की तैनाती जैसे बुनियादी कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं। मंत्री केटीआर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में बारिश के कारण जानमाल की हानि न हो, इसी उद्देश्य से काम करें। इस मौके पर केटीआर ने अधिकारियों को और अधिक कार्यक्रम लेने और हैदराबाद शहर के स्वच्छता प्रबंधन से संतुष्ट नहीं होने का निर्देश दिया। बीआरएस नेताओं ने टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी पर अपना गुस्सा जाहिर किया। तेलंगाना में बीसी के बारे में अपमानजनक बात करने के लिए मंत्री तलसानी, श्रीनिवास गौड़ और गंगुला कमलाकर ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ किया कि राज्य में सभी बीसी एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने ज्यादा बोलने पर कांग्रेस नेताओं को तेलंगाना के गांवों में घूमने भी न देने की चेतावनी दी है। तेलंगाना में बीसी मंत्रियों और विधायकों की मुलाकात हुई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपनी इच्छा से बोलने में कुछ भी गलत नहीं है। सभी बीसी जाति के नेताओं को आमंत्रित कर चर्चा की जाएगी। बीसी नेताओं द्वारा व्यक्तिगत हमलों के लिए कोई जगह नहीं है। हम राज्य भर में बीसी को एकजुट करेंगे हम जातिगत व्यवसायों की समस्याओं और पीड़ाओं को जानते हैं। भविष्य की गतिविधियों की तैयारी की जा रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट का दौरा किया। इस मौके पर मंत्री ने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने का श्रेय तेलंगाना सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि एसएनडीपी कार्यक्रम के तहत 42 करोड़ रुपए की लागत से बेगमपेट नाला विकास कार्य किया जा रहा है। नाला किनारे की सभी कॉलोनियों में जल निकासी और सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार कई दीर्घकालिक सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करेगी। फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है। बड़ी संख्या में बीआरएस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में समावेशन जारी है। आज मानकोंडरू निर्वाचन क्षेत्र के इलंतकुंटा मंडल के कई नेता बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। चोपादांडी निर्वाचन क्षेत्र के गंगाधारा मंडल के कई युवा भाजपा और बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने जुबली हिल्स स्थित आवास पर खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया। लड़ाई बंद करके मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का फैसला किया है। शहर में सांसद वेंकट रेड्डी के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रभारी मानिक राव ठाकरे, पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, उत्तम कुमार रेड्डी, महेश कुमार गौड़, पुन्नाला लक्ष्मैया, संपत कुमार और कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया और भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा की। वेंकट रेड्डी ने आलोचना की कि इन 9 वर्षों में केसीआर के परिवार को छोड़कर राज्य में किसी की भी स्थिति नहीं सुधरी है। केसीआर के परिवार को प्रगति भवन खाली करना होगा। उन्होंने अफसोस जताया कि जब मंत्री केटीआर ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया तो कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि खेती के लिए 8 घंटे से अधिक समय तक मुफ्त बिजली नहीं दी जाती थी और उपकेंद्रों पर लॉगबुक निकालकर उससे कुछ अधिक समय के लिए बिजली दी जा रही है। केटीआर के अलावा क्या बीसी को बनाया जाएगा सीएम, केसीआर से पूछा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा बीसी वर्ग के साथ न्याय करने वाली कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने धरनी पोर्टल लाकर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। धरनी के नाम दर्ज नहीं होने के कारणों लाखों किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया कि दलित बंधु, बीसी बंधु विधायकों को वोट के लिए कमीशन मिल रहा है। वेंकट रेड्डी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य तेलंगाना के लोगों को तानाशाही शासन से मुक्त कराना है और इसके लिए हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा बनाई गई कालेश्वरम परियोजना मंचिर्याल जिले के किसानों की आंखों में आंसू ला रही है। कालेश्वरम परियोजना समुदाय में गोदावरी नदी पर बने मेड़ीगड्ढा, अन्नारम और सिंधुल्ला बैरेज के बैकवाटर के कारण हजारों एकड़ फसल पानी में डूब गई है और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।
किसानों की शिकायत है कि कालेश्वरम परियोजना के निर्माण के बाद से ही यह स्थिति बनी हुई है। किसान परेशान है क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कालेश्वरम परियोजना के निर्माण से खुश हों या दुखी। किसानों ने सोचा था कि कालेश्वरम परियोजना के पानी से खेत लहलहाएंगे और उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, मगर इस परियोजना के कारण उनके आंखों से आंसू ही छलक रहे हैं। बरसात के मौसम में गोदावरी नदी का उफानता हुआ पानी पास के खेतों में पहुंच जाता है और हाथ आई फसल पानी में डूब जाती है। करीब 4 साल से यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन अधिकारी और नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह आम राय है कि जैसे ही खेतों में पानी घुस जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो अधिकारी नुकसान का आकलन करने आते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा किसानों का कुछ भी भला नहीं हो रहा है। परियोजना का बैक वाटर नदी के दोनों किनारों पर 2 से 3 किलोमीटर तक बहकर फसलों को डुबा रहा है। साल में 2-3 बार हाथ आई फसल पानी में डूब जाने से किसान चिंतित है। मुख्य रूप से गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्रों जैसे जन्नाराम, दंडेपल्ली, लक्षिटीपेट, हाजीपुर, मंचीरियाल, नसपुर, जयपुर, चेन्नूर और कोटपल्ली मंडलों में नदी के किनारे की फसलें अक्सर पानी में डूब जाते हैं। वही स्थिति प्राणहिता जल ग्रहण क्षेत्र में वेमनपल्ली और कोटपल्ली मंडलों में भी बनी जाती है। बैकवाटर के कारण हजारों एकड़ कपास, धान, मिर्च और अन्य फसलें जलमग्न हो रही है। जब भी फसलें पानी में डूबती हैं, तो अधिकारी संरक्षण करने आते हैं, फसल क्षति का आकलन करते हैं और सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं। 2019 से यही चला आ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से किसानों को नुकसान भरपाई देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछले साल भी भारी बारिश के कारण बैकवाटर से फसलें डूब गई थी। तत्कालीन वन मंत्री अल्लोला इंद्राकरण रेड्डी ने जिले का दौरा किया था। चेन्नूर में एक समीक्षा आयोजित की गई और जलमग्न फसलों पर अधिकारियों और किसानों के साथ विचार विमर्श किया गया। आवश्यक कदम उठाने और उचित मदद करने का आश्वासन देकर चले गए, लेकिन 2 साल बीत गए, अब तक ना कोई मदद मिली और ना कोई स्थायी समाधान निकला आया। कालेश्वरम परियोजना समुदाय के पूरा होने के बाद से ही जिला में बड़ी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ है। 2019 में अन्नारम और मेडीगट्टा परियोजनाओं के बैकवाटर के कारण कोटापल्ली मंडल में 1484 किसानों की लगभग 1670 एकड़ खेती पूरी तरह से जलमग्न हुई थी। 2020 में 1644 किसानों की 4580 एकड़ और 2021 में 601 लोगों की 1063 एकड़ खेती बर्बाद हो गई थी। चेन्नूर मंडल में 2019 में 839 किसानों की 1183 एकड़ खेती, 2020 में 81 किसानों की लगभग 100 एकड़ खेती और 2021 में 1081 किसानों की 2100 एकड़ खेती सिंचित की गई थी, बैकवाटर के कारण बर्बाद हो गई थी। 2021 में सुंदरीला परियोजना के बैकवाटर के कारण जयपुर मंडल के 258 किसानों की लगभग 500 एकड़ फसल जलमग्न हो गई थी। पिछले साल भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर थी और परियोजनाओं के बैकवाटर के कारण खेतों में पानी भर गया था। फिलहाल किसानों को चिंता है कि इस बार भी बैकवाटर से खेतों में पानी भर जाएगा, क्योंकि बारिश का दौर शुरू हो गया है। यह देखकर स्थानीय किसान तेलंगाना के नेता और अधिकारी से इस संकट का स्थायी समाधान निकालने का आग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संपत कुमार ने कहा कि बीआरएस ने लोगों के दिलों में अपनी जगह खो दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का मंच ढह गया है, अगले चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में आना तय है। कांग्रेस नेता संपत कुमार ने कहा कि बीआरएस ने लोगों के दिलों में अपनी जगह खो दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का मंच ढह गया है, अगले चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में आना तय है। कांग्रेस नेता पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि तानाशाही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, मकसद राज्यों को कमजोर करना है।
मोदी अराजक शासन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में एनडीए से ज्यादा राजनीतिक दल है, मोदी को हार का डर है। कांग्रेस नेता पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि तानाशाही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, मकसद राज्यों को कमजोर करना है। मोदी अराजक शासन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में एनडीए से ज्यादा राजनीतिक दल है, मोदी को हार का डर है। बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र ने गोशामहल विधायक राजा सिंह से मुलाकात की। राजा सिंह ने इटेला के ध्यान में लाया कि पुलिस हाल ही में गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा नेताओं और पार्षदों के खिलाफ अवैध मामले दर्ज कर रही है। इसके साथ ही राजा सिंह से भी चर्चा की गई। उन्होंने बीआरएस सरकार पर भाजपा नेताओं के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उन्होंने इटेला से कहा कि वे गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और बीजेपी नेताओं पर दर्ज मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। इटेला ने बताया कि राजा सिंह के निलंबन का मामला केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन है और उन्हें उम्मीद है कि प्राधिकरण जल्द ही निलंबन हटाने पर निर्णय लेगा। विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा कि बीआरएस नेता बीजेपी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्रूरतापूर्वक काम कर रहे हैं। मंगलहाट की पार्षद शशिकला पर अवैध मामलों का आरोप लगाया जा रहा है। इटेला राजेंद्र ने कहा कि बिना यह देखे कि वह एक महिला पार्षद है, उन पर केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम इस पर कानूनी तौर पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पर निशाना बनाया जाता है तो कोई डर नहीं है। ग्राम पंचायत का स्टाफ पिछले 13 दिनों से दीक्षा दे रहा है। तेलंगाना जनसमिति ने इस पहल का समर्थन किया। पार्टी नेता प्रोफेसर कोदंडराम ने सरकार से ग्राम पंचायत कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। ग्राम पंचायत कर्मियों के वेतन में स्थायी बढ़ोतरी के 13 दिन बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छता कार्यों को किनारे कर दिया है। कर्मचारी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। उनकी मांग है कि इस हड़ताल की मांगों को हल किया जाए। एक तरफ जहां मंडल के अधिकारी बिना नौकरी की सुरक्षा, हर महीने 2 से 3 महीने से लंबित वेतन का भुगतान, श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा, 30% पीआरसी लागू करे, जेवी संख्या 60 के अनुसार वृद्धि और पीएफईएसआई सुविधाओं का प्रदान। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो का काम शुरू हो गया है। 5.5 किलोमीटर की इस मेट्रो लाइन पर 5 स्टेशन होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड HMRL के प्रबंध निदेशक NVS रेड्डी द्वारा इस विकास कार्य के बारे में क्या जानकारी दी गई, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिलने के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल के रुके हुए कार्य को शुरू किया गया है। MGBS से फलनुमा के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन मार्ग में दारुल शिफा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, अलीजा कोटला, मीर मेमिन दायरा, हरिभौली, शाह अली भंडा, शमशीरागंज और अलियाबाद आएंगे। MGBS से फलनुमा के बीच सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार, शाह अली भंडा, शमशीरागंज और फलकनुमा स्टेशन होंगे। हालांकि सालारगंज और चार मीनार के बीच की दूरी 500 मीटर है। सालार जंग संग्रहालय और चार मीनार स्टेशनों के नाम हैदराबाद शहर के ऐतिहासिक और गौरव को दर्शाते हैं। इस मार्ग में 21 मस्जिद, 12 मंदिर, 12 आशुरखान, 33 दरगाह, 7 कब्रिस्तान, 6 छिल्ला और 103 धार्मिक व संवेदनशील संरचनाएं हैं। वक्रता का समायोजना, वायाडक्ट और ऊंचाई, मेट्रो स्तंभ स्थानों का उपयुक्त परिवर्तन के अलावा धार्मिक और संवेदनशील संरचनाओं का बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सीएम केसीआर मंत्री KTR के निर्देश के अनुसार 4 धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए मेट्रो रेल निर्माण में सुधार किया जाएगा। धार्मिक और संवेदनशील संरचनाओं को बचाने के लिए सड़क विस्तारीकरण को 80 फीट तक सीमित रखा जाएगा। पुराने शहर के स्टेशन स्थानों पर सड़क को 120 फीट चौड़ा रखा जाएगा। इस परियोजना में 1000 से अधिक परिसंपत्तियां प्रभावित होंगी। इसके चलते प्रभावित संपत्तियों के लिए अलग अलग रेखा चित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसके तैयार होते ही भूमि अधिग्रहण नोटिस भी दिया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना ने कई तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय पूरी परियोजना की लागत 14,000 करोड़ रुपए के आंकी गई थी।
मगर कोविड लॉकडाउन के समय 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। कोविड के दौरान मेट्रो रेल को काफी घाटा हुआ है, इस समय काफी सुधार हुआ है, हर दिन 5 लाख लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। वैसे तो विश्व में संचालित 200 से अधिक मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण सरकारी धन से किया गया, लेकिन हैदराबाद मेट्रो का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत L&T कंपनी द्वारा किया गया। हैदराबाद शहर को विश्व स्तरीय शहर का स्वरूप प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब तक 2 कॉरिडोर पूरे हो चुके हैं और 3रा कॉरिडोर अधूरा है। MGBS के फलुकनामा तक मेट्रो रेल शुरू होते ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। 107 मेट्रो रेल को लाभ ही लाभ होने की संभावना है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो का कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री केसीआर ने लकड़ी का पुल से BHL के विस्तारीकरण प्रस्ताव केंद्र सरकार को पास मंजूरी के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री ने हयातनगर से पटाचेरू तक मेट्रो विस्तारीकरण की भी घोषणा की। तारनाका डिवीजन लालापेट में डिप्टी मेयर शीलता शोभन रेड्डी ने GHMC अधिकारियों के साथ कई निचले इलाकों का निरीक्षण किया। डिप्टी मेयर ने सुझाव दिया कि निचले इलाकों में रहने वाले सभी लोग सतर्क रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। GHMC अधिकारियों ने मॉनसून इमरजेंसी टीम के माध्यम से सभी सावधानियां बरतने की सलाह दी। मोतेशीलता ने अधिकारियों को किसी भी दुर्घटना और जानमाल के नुकसान से बचने के लिए नहर में गाद हटाने, ड्रेनेज कवर और बॉक्स ड्रेन की नियमित जांच करने का आदेश दिया। पूरे देश में आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। सभी राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल के विचारों की सराहना करते हुए आगे आ रहे हैं। आप तेलंगाना राज्य प्रभारी कन्वीर डीडी सुधाकर और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र प्रभारी हरिचरण ने कहा। डीडी सुधाकर और हरिचरण ने कहा कि तेलंगाना में आपको मौजूद करना नेताओं की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी ने सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधानसभा संयोजकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए। आम आदमी पार्टी तेलंगाना प्रदेश प्रभारी संयोजक डॉक्टर डीडी सुधाकर ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए। यह ऐतिहासिक है कि 5 राष्ट्रीय दलों और विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दलों ने बेंगलुरु में गठबंधन बनाया और मोदी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का निजीकरण कर देगी और संघीय व्यवस्था को नष्ट कर देगी। TTDP के राज्य सचिव रापोलू नरसिम्हा ने कहा कि नलगोंडा जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। नलगोंडा जिला रामन्नापेट सरकारी अस्पताल, जहां केवल 20 डॉक्टर होने चाहिए, 4 डॉक्टरों के साथ आ रहे हैं, गोलागुड़ा अस्पताल को तोड़ रहे हैं, पुराने भवन में अस्पताल चला रहे हैं। यह दावा करना हास्यास्पद है कि यह स्वर्णिम तेलंगाना है, TTDP राज्य सचिव रापोलू नरसिम्हा ने कहा। नारकिलेकल निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी अंजया ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में देश का कोई भी राज्य तेलंगाना से बेहतर नहीं है। ऐसी बातें कही जा रही है जिनमें कोई दम नहीं है। मेडसल विधानसभा क्षेत्र के कोंडापोचम्मा माता मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा अर्चना की। TPCC के वरिष्ठ प्रवक्ता सिंगी रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने देश और राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की कामना करते हुए कोंडापोचम्मा माता मंदिर में पूजा की। सबसे पहले सिंगी रेड्डी ने हरिवर्धन रेड्डी के मंदिर का दौरा किया और देवी को उपहार चढ़ाए। इस कार्यक्रम में हरिवर्धन रेड्डी युवा सेना के साथ साथ मेडचल निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कई किसान ये कहते हुए आंसू बहाते नजर आए कि किसान राजा कहां जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने चिंता जताई कि धरने की खामियां छोटे किसानों के लिए भी अभिशाप बन गई है। बुमरामसपेट में धरने के कारण जिन किसानों की जमीनें चली गई, उन्होंने सोमाजुरगुड़ा के प्रेस क्लब में बुमरामसपेट किसान कल्याण संघ के तत्वावधान में एक मीडिया सम्मेलन आयोजित किया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि जमीन हड़पने वालों और कुछ राजनेताओं ने शामिरपेट मंडल के तहसीलदार, मेडचल मलकाजगिरी जिला कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों की मदद से भू माफिया शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे थे और उनकी आजीविका पर धरनी का असर पड़ा और वे सड़क पर आ गए। उन्होंने सवाल किया कि अगर हमारे पास अपनी जमीन नहीं है तो हमें रायतु बंधु और रायतु बीमा जैसी योजनाएं कैसे मिलेंगी। उन्होंने दावा किया कि वे जमीनें उनके पूर्वजों ने हासिल की थी, ये जमीनें उनकी आजीविका है। बताया गया कि भूमि पीड़ितों में पूर्व मुख्यमंत्री चन्ना रेड्डी के पोते कृष्णा रेड्डी भी एक पीड़ित है।
बेबी फिल्म निर्देशक साई राजेश की फिल्मी हस्तियां अमीरपेट में अवन्या नेल एकेडमी में मॉडलों से गुलजार रही। कंपनी प्रबंधन द्वारा अवन्या नेल एकेडमी को दोबारा शुरू किया गया है। अवन्या नेल एकेडमी के प्रशासक लावण्या वेणुगोपाल ने कहा कि अवन्या नेल एकेडमी में ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिन्हें हर महिला परिवार और छात्र सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेल आर्ट जो विदेशों में बड़ी कीमत पर सीखा जाता है अब अमीरपेट में बहुत कम कीमत पर सभी के लिए उपलब्ध कराया गया है। सभी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।